मार्च 2020 में देश में कोरोना की दस्तक के साथ ही लगाए गए लॉकडाउन का असर हर सेक्टर पर दिखा। डेढ़ साल बाद अधिकांश सेक्टर अब इससे उबरने लगे हैं, लेकिन बंद हुए स्कूल अभी तक पूरी तरह खुल नहीं पाए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जो तो स्कूलों को लेकर क्या आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में अभी भी स्कूलों को नहीं खोला गया है। कोरोना की वजह से स्कूल संचालक, अभिभावक और बच्चे सभी परेशान हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने स्कूलों को लेकर राज्य सरकारों को कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। दरअसल ये याचिका 12 साल के एक छात्र अमर प्रेम प्रकाश ने दाखिल की थी। इस याचिका में बच्चे ने कोर्ट से देश भर में स्कूल खोलने और वहां सामान्य तरीके से पढ़ाई शुरू करने की मांग की थी। साथ ही इसमें दलील दी गई थी कि एक साल से संस्थानें बंद हैं, जिससे छात्रों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। छात्र तनाव का शिकार हो रहे हैं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि बच्चे को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। इस याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि कई बार नाबालिग बच्चों के नाम से याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, ताकि कोर्ट की सहानुभूति उस याचिका के प्रति बन जाए। लेकिन आप खुद देखिए कि इस याचिका का क्या मकसद है। क्या एक बच्चे को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या इस तरह की याचिका दाखिल करनी चाहिए? स्कूल खोलने का फैसला सरकार का होता है, उनको हर राज्य के हालात को देखते हुए फैसला लेना है। केरल और दिल्ली के हालात अलग अलग हैं, इनमें कोई एक आदेश कैसे हो सकता है? अभी बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।